Hello friends, Namaskar, Sasikal, I am your astrologer friend Amit Kapoor. Today I am presenting you weekly forecast from 26th of Feb 2018 to 4th March 2018. Guys, मुझे कुछ लोगों का call आता है और मुझसे पूछते हैं कि ascendance क्या है. मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब फिर बता रहा हूँ. Ascendance आपकी कुंडली का first house है. Ascendance में आपके जो sign पड़ा है, अगर आपके first house में जहाँ पर AS लिखा हो या हिंदी में लगन लिखा हो, वहाँ पर 1 number, 2 number, 3 number, 4 number, जो sign आपके first house में पड़ा है, वो आपका ascendance है. Like अगर आपके first house में 7 number पड़ा है, 7 number लिखा हुआ है, तो आपका Libra ascendance है. अगर आपके ascendance में 9 number लिखा हुआ है, तो आपका Sagittarius ascendance है. अगर आपके ascendance में 2 number लिखा हुआ है, तो Taurus ascendance है. सो गाइज, आप अपने हॉरोस्कोप के पेज को खोलें जहाँ पे नेटल चार्ट लिखा होगा, D1 लिखा होगा या जन्म लगन लिखा होगा, वहाँ पे फर्स्ट हाउस में जो साइन पड़ा हुआ है वो आपका असेंडेंस है. सो गाइज, माई ऑल प्रेडिक्शन आर बेस्ड ऑन योर असेंडेंस साइन. लेट्स स्टार्ट फॉर द एरीज असेंडेंस. फॉर एरीज असेंडेंस फ्रॉम 26th of Feb 2018 टू 4th March 2018, गाइज दिस होल वीक यू विल बी गेट लॉट ऑफ गुड बेनिफिटेड फ्रॉम योर बिजनेस. Those people who are interested to settle in abroad, there is a good chances. आपके द्वारा किए गए थोड़े से efforts foreign में settlement होने के लिए आपको बहुत अच्छे और बहुत fruitful results देने वाले हैं. आपकी wishes पूरी होंगी इस week में, आपके desires fulfill होंगे, आपकी earning बढ़ेगी, multiple sources से आप earning करोगे. Sun, Venus और Mercury का इस week में आपके 11th house में transit कहीं ना कहीं पर आपको financial tie-ups में बहुत positive करेगा. आपकी गुडविल मेंटेन होगी, बिजनेस में अच्छे टाई अप्स आपके रहेंगे, फ्रेंड सर्कल के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, आपके दोस्तों की गिनती बढ़ेगी, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे चलेंगे, आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखेंगी, सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी. जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी जॉब उनको मिलने के इस वीक में पूरे चांसेस हैं. गाइज, ओवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव वीक है. सैटर्न का आपके असेंडेंस से 9th हाउस में ट्रांजिट करना आपको हर एक चीज़ में अचीवमेंट देगा, आपकी हार्ड वर्क पे ऑफ करेगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे. क्योंकि सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो आपको ये सारे रिजल्ट्स कुछ डिले कुछ रुक के मिलेंगे, बट मिलेंगे बहुत लाजवाब. एरिस असेंडेंस आपके ऊपर जो कॉम्बिनेशंस है, जुपिटर का आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करना, आने वाले और नेक्स्ट वीक तक जुपिटर रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, तो जिन गाइस के हॉरोस्कोप में जुपिटर ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड शुरू होने वाला है. सो गाइज, इस वीक में अगर हम इस वीक की बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, फाइनेंशियल टाई अप्स अच्छे हो रहे हैं, पेरेंट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो रही है. अगर आप कोई नया व्हीकल सेल परचेज करने की सोच रहे हो तो ये बहुत ही प्रोडक्टिव वीक है. गाइज, आपके लिए हनुमान जी की भक्ति करना, ट्यूसडे नाइट और सैटरडे नाइट लॉर्ड हनुमान जी के टेम्पल में विजिट करना, मंडे वाले दिन सुबह महादेव को शिवलिंग पे शहद से अभिषेक करना, कच्चे दूध से अभिषेक करना, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही रिवार्डिंग रहेगा. नो मोर अबाउट दिस वीकली फोरकास्ट, विजिट माई वेबसाइट www.akastrologer.com. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. जय हिंद.